हाय एवरीवन वेलकम बैक टू पैथ फाइंडर मै ने मिजन थी दोस्तों इंडिया और मॉलदीव्स के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं मॉलदीव एक ऐसा आर्की है जहां पर टूरिज्म एक बहुत कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है फॉर दी इकोनॉमी फॉर दी रेवेन्यू ऐसे में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो भारत से मॉलदीव्स को मिल रहा था क्योंकि भारतीय टूरिस्ट मॉलदीव विजिट करते थे लेकिन पिछले साल जब म्यूजू राष्ट्रपति बने अपने इंडिया आउट कैंपेन की वजह से उसके बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में खटास आनी शुरू हुई और हम कह सकते हैं लास्ट नेल इन दी कॉफिन वॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर का लक्षद्वीप जाकर लक्षद्वीप को प्रमोट करना एज अ टूरिस्ट प्लेस जिसके बाद मॉलदीव्स के कुछ लीडर्स ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हमारे पीएम के अगेंस्ट और उसके बाद से तो विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया इन सबके बीच में आपको बता दूं कि म्यूजू को एक प्रो चाइनीज लीडर की तरफ भी देखा जाता है और उसके बाद से भी सिचुएशन ऐसी हुई है कि जो झुकाव है मॉलदीव्स का वो चाइना की तरफ देखने को मिला इस सारे बैकग्राउंड में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि मॉलदीव्स की जो हालत है जो इकोनॉमी की हालत है वो अब थोड़ी खराब है काफी काफी नुकसान मॉलदीव झेल रहा है क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया और यहां पर बयालीस प्रतिशत तक कम भारतीय मॉलदीव्स है। गए हैं जनवरी से मई के बीच में जिसके बाद ऐसा लगता है कि शायद मॉलदीव्स अब घुटनों पर आ गया है एंड नाउ देर अर्जिंग इंडियंस टू कम एंड विजिट मॉलदीव्स यहां पर मालदीव्स ने अर्ज किया है इन बिटवीन दीज ट्रेन टाइज कि प्लीज बी पार्ट ऑफ अ टूरिज्म क्या यहाँ पर कहा गया है क्या क्या चीजें हैं क्या आंकड़े कहते हैं इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं शुरुआत करते हैं न्यूज के साथ हम तो हो जाएंगे बर्बाद ऐसा मॉलदीव्स ने कहा है और अब ऐसा लगता है कि अब मॉलदीव्स को शायद थोड़ी समझ आ गई है क्योंकि फ्रॉम बीइंग द टॉप टूरिस्ट ग्रुप विजिटिंग मॉल इंडियंस जो है दिस पोजिशन इन जनवरी दिस ईयर आफ्टर द डिप्लोमैटिक रो बिटवीन न्यू डेली एंड माले जो पूरा विवाद हुआ हमारे प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाकर उसको प्रमोट करना उसके बाद जो डेरोगेटरी रिमार्क्स है उसके बाद से बॉयकॉट मॉलदीव्स के आपने देखा होगा ट्रेंड भी कर रहा था देश में तो ये सब बैकग्राउंड में ये हालत अब थोड़ी मॉलदीव्स की खराब हुई है यहां पर ये चाहते हैं कि चाइना से ज्यादा टूरिस्ट भारत से मॉलदीव जाए नाउ एग्जैक्टली exactly क्या है पूरी न्यूज आइए जानते हैं सो इनस्टेंट बायोलिट्रल टाइज के बिटवीन जो भारत और मॉलदीव्स के बीच में चल रहे हैं म्यूजू गवर्नमेंट के टॉप मॉलदीवन मिनिस्टर ने अर्ज किया है इंडियन टूरिस्ट को कि वो सपोर्ट करें उनकी टूरिज्म डिपेंडेंट इकॉनमी को क्योंकि जो नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हैं जो विजिट करते हैं मॉलदीव्स वो बहुत ज़्यादा घट गए हैं और ये जो देश है आयलैंड नेशन है इसके टूरिज्म मिनिस्टर ने अर्ज किया है सभी भारतीयों को कि प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए हमारे देश की इकोनॉमी में यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा है वी हैव अ हिस्ट्री भारत और मालदीव से संबंध बहुत ऐतिहासिक और पुराने संबंध हैं यहाँ पर उन्होंने उस हिस्ट्री का हवाला दिया और कहा कि हमारी जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि हम भारत के साथ दोबारा काम करें वी ऑलवेज प्रमोट पीस एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट अब पीपल एंड गवर्नमेंट विल गिव अ वार्म वेलकम टू इंडियन अराइवल्स मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया है कि भाई आ जाइए हमारी इकोनॉमी को बचा लीजिए यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर ने ये भी कहा कि एज अ टूरिज्म मिनिस्टर आई वॉन्ट टू टेल इंडियंस टू प्लीज बी पार्ट ऑफ मॉलदीव टूरिज्म इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टूरिज्म हमारी इकॉनमी इस टूरिज्म पे डिपेंड करती है सो so ये विवाद हुआ शुरू ये विवाद शुरू हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ फोटोज और वीडियोज जो थी लक्षद्वीप आइलैंड की अपनी विजिट को लेकर पोस्ट की अपने एक्स हैंडल पर छह जनवरी को इसके बाद तीन मोलदीवियन मिनिस्टर्स ने हमारे प्रधानमंत्री पर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए जिसके बाद पूरा विवाद जो है वो निकलकर सामने आया यहां पर मैं आपको बता दू कि इस इन इस विवाद के बाद इन मिनिस्टर्स को सैक भी कर दिया गया था कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स लेकिन विवाद तो बढ़ चुका था यहां पर से नो टू मॉलदीव जो है वो ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट मॉलदीव्स ट्रेंड करने लगा यहाँ मॉलदीव्स के जो लीडर्स प्रो भारत या कह सकते हैं कि जो समझते हैं भारत की इंपॉर्टेंस उन्होंने कहा कि ये बॉयकॉट जो है इनको बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है और बहुत गंदी तरह हिट करने वाला है यहां मैं आपको बता दू बहुत सारे भारतीयों ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर ट्वीट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने कैंसिल कर दी है अपने टिकट मॉलदीव इवन सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स पर्सन ज्वाइन ज्वाइन दी कॉज टू सपोर्ट लोकल टूरिज्म यहां आप देख सकते हैं सो so, पूरा का पूरा ट्विटर जो था वो यस एक्स जो था वो ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट मॉलदीव से जनवरी में जिसके बाद से ये डिप आना शुरू हुआ जहां भारतीयों ने मॉलदीव जाना बंद कर दिया और टूरिज्म या जो इकोनॉमी टूरिज्म पर बेस्ड है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ठीक है यहां पे लोगों ने लक्षद्वीप के पिक्चर्स पोस्ट करने शुरू कर दिए और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल क्लास अपडेट शड्यूज एंड पीडीएफ्स अन अकेडमी रिजल्ट की मैं बात करूं तो इस बार भी शानदार रिजल्ट रहा अन अकेडमी का जहां तीन से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया यूपीएससी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी आइज एडवांटेज जहां पर ना केवल आपको कॉम्प्रेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का बल्कि सी सैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस भी मिलती है करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिलता है आपको मंथली मैगजीन के साथ रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ होता है टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है और वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिलती है आप अवेल कर सकते हैं आई एस एडवांटेज बाई एनरोलिंग इन टू अर कोर्सेज जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर अवेलेबल हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं और यदि आप यूपी में रहते हैं और यूपी पी सी एस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं एट अर ऑफलाइन सेंटर विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर बैचेस तेरह मई से शुरू हो रहे हैं बाकी सारी जानकारी ऑफ ऑल दी कोर्सेज एड्रेसेस फ़ोन नंबर्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इसके अलावा विद अन अकेडमी आई एस यू कैन गेट क्लोजर टू योर आई एस ड्रीम कैसे बाई गिविंग इंडियाज बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जहां पर जो पूल है ऑफ स्कॉलरशिप एंड गिफ्ट इज वन करोड़ ये टेस्ट होने वाला है बारह मई को सुबह नौ बजे से डिटेल डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर एनरोल कर लीजिए और जाकर इसका बेनिफिट उठाइए ना अकॉर्डिंग टू अर सन डॉट एम वी रिपोर्ट जो कि पब्लिश हुई छे मई को हाल ही में उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ टूरिस्ट अराइवल्स थे भारत से दे हैव डिक्लाइंड बाय 42 परसेंट इन फर्स्ट फोर मंथ ऑफ दिस ईयर जब इसको कंपेयर किया जाए 2023 के पहले चार महीनों से तो अगर हम टूरिस्ट की बात करें 2023 में तो यू कैन सी विजिटर्स यहाँ पर मॉलदीव पॉपुलर पिक माना जाता था कोलकता के लिए अब क्या हो गया भाई नहीं जा रहे हैं अगर हम 2023 में भी देखें तो हम देखेंगे कि भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मॉलदीव विजिट कर रहे थे सो मॉलदीव ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया उसके बाद इट वाज रशिया देन चाइना यूके जर्मनी एटसेट्रा एटसेट्रा एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर इंडिया वॉज टूरिस्ट मार्केट फॉर मॉल शॉर्टली इन टू ईयर इंडिया ड्रॉप टू सिक्स प्लेस अमंग द टॉप टूरिस्ट मार्केट छठे नंबर पर आ गया क्योंकि बॉयकॉट मॉल शुरू हो गया था ये ट्रेंड करने लगा था और हमने अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जो डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए उसके लिए उसका विरोध किया नाउ अकॉर्डिंग टू टूरिज्म मिनिस्ट्री है मॉलदीव ने रिकॉर्ड किया है टोटल ऑफ फोर्टी थ्री थाउजेंड नाइन नाइनटी वन टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम इंडिया एज ऑफ फोर्थ में और अगर हम जनवरी से अप्रैल की बात करें लास्ट ईयर तो दंबर हुआ सेवेंटी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी फाइव मतलब ये देख लीजिए आप 42% के आसपास का यहाँ पर डिप देखने को मिला है इस साल नंबर स्टैंड्स एट 42638 काफी कम हुआ है इस ड्यूरेशन में तो 73000 लगभग 74000 से घटकर 42000 हो गया अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन मार्च इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और जो एनालिस्ट्स हैं ऑल में उन्होंने एस्टीमेट किया कि लॉसेस हुए हैं ऑफ 1.8 बिलियन डॉलर्स टू 2 बिलियन डॉलर्स ड्यू टू द ड्रॉप इन इंडियन टूरिस्ट इन मॉलदीव्स तो मतलब इतना नुकसान इनको झेलना पड़ा है लगभग दो बिलियन डॉलर का नुकसान मॉलदीव ने झेला है बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन नंबर ऑफ़ इंडियन टूरिस्टिट विजिटिंग टू मॉलदीव्स तो इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट आना ही आना था जिसके बाद अब ये कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कीजिए और मालदीव विजिट कीजिए चलिए इंडिया मॉलदीव टाइज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया मॉलदीव्स के टाइज जो है वो स्ट्रेस में आए

मेंबर्स थे मिलिट्री पर्सन दे वो देय टू हेल्प दी आइलैंड वो इवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं वो यू नो अदरवाइज एज क्रू बहुत हेल्प करते हैं तो बहुत ज्यादा मदद ही करते हैं इन केस ऑफ डिजास्टर कोविड में मेडिसिन पहुंचाना इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन दैट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मॉल लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जो एटीट्यूड आया इट वॉज अ लिटल शेकिंग फॉर ऑल्सो कि ये क्या हो रहा है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ही हैज्सो प्रीवियसली अक्यूज इंडिया ऑफ मेडलिंग इन द अफेयर ऑफ मॉल कि भारत जो है वो इंटरफेयर करता है मॉलदीव के अफेयर में और यहां पर अब भारत और दीवस के रिलेशन अगर इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो मॉलदीव हमेशा से भारत का एक की मैरिटाइम नेबर रहा है इन अ इंडियन ओशन रीजन भाई एक ऐसा रीजन है जहां पर हम जानते हैं कि चाइना अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करता है चाहे वो श्रीलंका के पास जाकर अपनी इन्फ्लुएंस करने श्रीलंका को इन्फ्लुएंस करने की बात हो या Maldives को इन्फ्लुएंस करने की बात हो और आफ्टर म्यूजू कमिंग इन टू पावर ये इन्फ्लुएंस हमने देखा भी है उसके उसकेशन भी देखे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दू की मॉलदीव ऑक्यूपाइज प्लेस इन आर इनिशियटिव सच एज सागर विच इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड ऑल्सो द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सो भारत तो हमेशा से मॉलदीव्स को एक अच्छे पड़ोसी की तरह देखता है और ये हमने प्रैक्टिकल इन एक्शन भी कर कर दिखाया है लेकिन रिस्पॉन्स जो आया इट नॉट अप टू मार्क जिसके बाद पूरा विवाद हुआ एंड अल्टीमेटली इट इज मॉल इज राइट नाउ सफरिंग बिकॉज द इकोनॉमी इज फेसिंग टू बिलियन डॉलर लॉसेज क्योंकि भारतीय टूरिस्ट मॉलदीव नहीं जा रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our, latest, about our latest updates. Do not forget to like and share this session, guys. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.